हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार दागी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप स्वामिनी लाइफ में अगर खुद से आईडी लगाना चाहते हो तो कैसे आईडी लगा सकते हो, और कैसे आईडी लगाना है वो आपको मैं बताऊँ। उससे पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं। इसलिए चलना पड़ेगा आपको मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अभी आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, और देर ना करते हुए मैं चलो आईडी लगाना सिखाता हूँ। तो अगर आपको आईडी पासवर्ड मिल चुका है तो आपको मैसेज में आप देख सकते हो, लेकिन अभी हम चलते हैं डायरेक्ट आपको स्वामिनी लैब के वेबसाइट पे कैसे जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे www.swamini.in है, इसके ऊपर आपको लॉगिन करना है, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर स्लाइड थोड़ी सी खोल के आएगी, और स्लाइड खुल के आएगी तो ये देखो नोटिफिकेशन है। पैन कार्ड अभी कंपलसरी है किसी को भी आईडी लगाने के लिए, तो इसको हम करते हैं कट। और देखो ये स्लाइड जो है वो बड़ी स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड आपको सिंगल में दिख रहा है, और देखो ये प्रोडक्ट वगैरह है और ज़बरदस्त शानदार दिख रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है अभी के तारीख में प्रोडक्ट। तो अभी देखो, अगर आपको आईडी लगाना है तो अगर फुल स्क्रीन चाहिए आपको तो यहाँ पर 3 लाइन पर जाना है, और ये डेस्कटॉप मोड है उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जो यह स्क्रीन है ये फुल हो जाएगा, और फुल हो जाने के बाद देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी प्रोडक्ट दो दो दिख रहा था, बड़े अभी छोटे में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर डेस्कटॉप मोड ऑन किए हो तो ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप मोड ऑन करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फुल स्लाइड आपको दिखने लगेगा, लेकिन मैं अभी डेस्कटॉप मोड में नहीं करूँगा, क्योंकि आपको वीडियो में फुल स्लाइड में दिखना चाहिए, और बड़े अक्षर में दिखेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो, अभी हमने डेस्कटॉप मोड जो है वो बंद कर लिया है। तो अभी यहाँ पे देखो 3 लाइनें हैं, इस पर हमें टच करना है, और टच करने के बाद आप नीचे आओगे। नीचे देखो लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन के ऑप्शन पे आप जाओगे तो स्लाइड खुल के आएगा, और यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी डालना है, और आईडी में आपको SM पहले डालना है, पूरा आईडी डाले। कई लोग होता है कि आधा अधूरा आईडी डालते हैं फिर बोलते हैं सर खुला नहीं। यहाँ पे आपको पासपोर्ट डालना है, जो कि आईडी और पासपोर्ट आपको मोबाइल पर मिला हुआ है। यहाँ पर ये 20 लिखा हुआ है, +12 आप जो प्लस करके यहाँ पर जितना आता है, यानी 20 12 32 आएगा, 32 यहाँ पर लिखना है। तो चलो, पहले मैं अपनी आईडी पासपोर्ट को डाल लेता हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पे डालना है 32, तो यहाँ पे हम 32 लिख देंगे, और यहाँ पे सिंपली हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन करने के बाद जो स्लाइड खुल के आएगा, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आईडी लॉगिन हो गया। यही अगर आपने डेस्कटॉप मोड में किया होता तो आपका ये जो स्लाइड है वो डबल, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये साथ में दिखता। यहाँ पे माय प्रोफाइल पे जाके अगर किन्हीं को KYC वगैरह करना है तो माय प्रोफाइल पे जाके आपका जो स्लाइड खुल के आएगा उसमें प्रोफाइल और बैंक डिटेल यहाँ से मिल जाता है, तो आप KYC भी यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अभी हमें करना है आईडी लॉगिन दूसरे का, आपका तो हो चुका है लेकिन दूसरी की आईडी लगानी है। तो आप यहाँ पर इस लेफ्ट साइड में 3 लाइन पर जाना है, राइट साइड में नहीं जाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में 3 लाइन पर जाना है, और 3 लाइन पर जैसे जाओगे स्लाइड खुल के आएगा, आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कोड मांग रहे हैं। ट्रांजेक्शन कोड क्या होता है, जब आपकी आईडी लगती है और आईडी पासपोर्ट के साथ साथ में ट्रांजेक्शन कोड भी जाता है, जो कि 6 डिजिट का होता है। तो चलो, पहले मैं डाल लेता हूँ। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन कोड भूल गए हो तो आप अपलाइन से आप पूछ सकते हो कि कैसे मिलेगा। पहले मैं ट्रांजेक्शन कोड डाल लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर आईडी लगाता हूँ। तो चलो, हमने ट्रांजेक्शन कोड डाल दिया है। अब यहाँ पर प्रोसीजर पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे चला जाएगा। अभी यहाँ पे इंटर स्पॉन्सर आईडी मांग रहा है, ठीक है। तो किसी का भी आप स्पॉन्सर आईडी आप डालोगे तो आपका यहाँ पे ये स्लाइड जो है वो खुल के आ जाएगा। तो चलो, पहले मैं स्पॉन्सर किसी का भी आईडी डाल के एक बार खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसी का भी आईडी मैं ले लेता हूँ एक बार, ताकि मुझे समझने में आसानी हो, समझाने में आपको आसानी हो। तो किसी का आईडी मैं डाल रहा हूँ एक बार, ताकि आईडी खुल जाए। स्पॉन्सर आईडी तो डालना ही पड़ेगा, तब जाके खुलेगा। ये मैंने किसी का स्पॉन्सर आईडी डाल दिया है अभी फ़िलहाल बताने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पिन आया हुआ है, तो ये लिख के आएगा। अब देखो, यहाँ पे आपको जो टोटली भरना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये स्लाइड आप खोल के आए हो तो यहाँ पर आप देखो, आपको डालना है अपलाइन आईडी यही होगा जो ये आईडी आपने डाला है, ठीक है। स्पॉन्सर आईडी, अपलाइन आईडी सेम डालना है।
यहाँ पे आप लाइन का नाम आ जाएगा नीचे, ये आप देख सकते हो, ये कॉलम में ऑटोमेटिक आईडी डालोगे तो नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ सरोज नाम है तो यहाँ पे सरोज नाम आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये आप सिलेक्ट करना है और अपलाइन का नाम, और उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो पैकेज। पैकेज में आपको सिलेक्ट करना है जो भी अभी एग्रीकल्चर आ रहा है, एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको पिन, ठीक है। पिन में अभी देखो मेरे पास पिन 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 नहीं बता रहा है भाई, पिन इसलिए नहीं बता रहा है कि क्योंकि हमने पैकेज को सिलेक्ट नहीं किया है। तो देखो पैकेज को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद पिन आएगा। तो दो पिन है मेरे पास अभी, तो दो पिन मुझे लगाने हैं, तो कोई भी एक पिन मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, मेरा पिन ख़राब नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर डालना है आपको फुल नाम, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ तीनों लाइन में डालना है, तारीख डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर डालोगे, सेम अगर व्हाट्सअप नंबर है तो यहाँ पे टिक लगा दोगे, यह नंबर डालोगे, ये नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद डालना है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी अगर है तो आपको डालना है आईडी लगाने के समय पे, लेकिन नहीं है तो नहीं डालना है। मैं किसी का ईमेल आईडी नहीं मांगता हूँ क्योंकि ये बाद में आप भर सकते हो, क्योंकि आईडी लगाने के लिए अभी देख सकते हो 11 बज रहा है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और मुझे अभी बहुत सारी आईडी लगानी है, तो ये पूरा फॉर्म भरने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ईमेल आईडी नहीं डालता हूँ। लेकिन अगर आप आराम से आईडी लगा रहे हो ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर डालना कंपलसरी है, नहीं तो आईडी नहीं लगेगा, पैन कार्ड नंबर डालना ही डालना है। पिन कोड आपको डालना है, जो जिस एरिया का लीडर का आईडी लगा रहे हो उस एरिया का, उसका पिन नंबर आपको डालना ज़रूरी है, तो वो आप लिख के ले लेना। एड्रेस का खाली छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन समय है आपको तो आप भर सकते हो। स्टेट वगैरह जो है पिन कोड डालोगे तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, और सिटी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है सबमिट। सबमिट करोगे तो आपका जो नेक्स्ट स्लाइड खुल के आएगा वो आएगा कि आईडी और पासपोर्ट बराबर है, आप चेक कर लो, और जिसका आप आईडी लगा रहे हो उसका नाम और मोबाइल नंबर वो आएगा। और उसके बाद आपका बाजू में आएगा सिलेक्ट करने के लिए एक छोटा सा घर आएगा, उसको टिक करना है। टिक करने के बाद आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी आईडी लग के सामने आ जाएगा। जैसे आईडी लग के सामने आएगा उसको स्क्रीनशॉट लगा लेना है। तो चलो मैं अभी आईडी लगा लेता हूँ, ये सारा फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर जो है वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं फॉर्म भरते भरते आपको बताऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, लेकिन नेक्स्ट आईडी लगने के बाद कैसा आईडी लग के आता है वो मैं आपको बताता हूँ आईडी लगाने के बाद। तो दोस्तों अभी मैंने ये देखो सारा स्लाइड भर लिया है, और भरने के बाद यहाँ पर हम करेंगे ओके। जैसे ओके करोगे यहाँ पर आप देखो ये लिख के आएगा कि आप मोबाइल नंबर और नाम चेक कर लो, अगर सही नहीं है तो बैक जाके और वापस से इसको करेक्ट करके फिर यहां से आपको आईडी लगाने के लिए सबमिट करना है। अगर सही है, स्पॉन्सर नाम भी देख लेना है, स्पॉन्सर नाम और स्पॉन्सर आईडी और जिसका नाम से आईडी लगा रहे हो उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर, ये चेक कर लेना है। अगर सही है यहां पे टिक करना है, टिक करने के बाद सिंग अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अभी भी आईडी लगी नहीं है, यहाँ से भी आप बैक जा सकते हो, लेकिन यहाँ बोल रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ओके करोगे ये आप देख सकते हो आपकी आईडी लग के यहाँ पे आ चुकी है। तो चलो इसको हम मार लेते हैं स्क्रीनशॉट और हम इसे कर देंगे सेंड। तो ये रहा आईडी लगाने का प्रोसेस। और तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आईडी कैसे लगाया जा सकता है, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, आप भी आईडी लगा सकते हो, बशर्ते आप कभी भी ध्यान रखें कि आप आईडी लगाना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से आईडी लगाएं। और दूसरी बात कि अपने अपलाइन से पिन मंगा ले, बिना पिन के आप आईडी नहीं लगा सकते हो। तो पिन मंगाने के लिए आपको पेमेंट करना है अपने अपलाइन को, या फिर जिससे भी सीनियर अपलाइन से अगर आपको पिन मिलता है तो सीनियर अपलाइन को आप पिन के लिए अप्लाई करें और आपके आईडी पे पिन आ जाएगा, उसके बाद आईडी लगा सकते हो। अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हो, हमारे साथ आप काम कर रहे हो, तो डायरेक्टली मैं आईडी लगा के देता हूँ। अगर आप आईडी लगाना चाहते हो तो प्रोसेस हमने बता दिया है, उस प्रकार से आप आईडी लगा सकते हो। आपको पेमेंट मुझे भेजना है, आपको मैं पिन मैं भेजूंगा आपके आईडी पे, उसके बाद आप आईडी को लगा सकते हो। तो दोस्तों सिंपल और साधारण है आईडी लगाना, किसी का भी आईडी लगाए आराम से लगाए, ताकि आप उनका बैंक डिटेल वगैरह केवाईसी वगैरह है वो बाद में आप करवा दें, लेकिन आसानी से आप आईडी को लगा सकते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तो प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।